पांडे जी एक चीज बताइए, ये दिल्ली से जो सड़क पे बैठे हुए सो कॉल्ड किसान थे, जो ये कह रहे थे कि हम बंगाल में केरल में जाकर के जमीन उखाड़ देंगे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो ये सो कॉल्ड किसान जो बंगाल गए थे, ये टिकैत टाइप के, जो डकैत टाइप के लोग जो गए थे, उनका असर क्या हुआ है? दिल्ली सराउंडिंग जो किसानों कौन सा का जो आंदोलन चल रहा है, उसका कुछ असर है क्या बंगाल में? सर? पश्चिम बंगाल में हमने किसानों से भी बात की कि आपको ये जो कृषि कानून बिल आया है इसके बारे में कुछ पता है? अधिकतर लोगों को कोई पता नहीं है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, और जिनको पता भी है वो इस कृषि कानून बिल के समर्थन में थे। वो चाहते थे कि वो जो भी उपजाए उनको अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले कि अपना सामान कहीं भी बेच पाए। कुछ तस्वीरें कलकत्ता से आती होंगी, या कलकत्ता में एक बार रेल रोको सड़क रोको इस तरह का आंदोलन मतलब हुआ था, किसान आंदोलन के नाम पे दीदी बैठी थी धरने पे, तो आपने देखा होगा कि इसका कोई असर नहीं हुआ। ट्रेनें लगातार चल रही थी, बसें भी चल रही थी, जबकि दीदी खुद दीदी ने आह्वान किया था कि हम लोग ऐसा जाम करेंगे, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद जो कुछ तस्वीरें आती थी तो वो तस्वीरें कार्यकर्ताओं की होती थी कि जैसे वाम मोर्चा हो गया, और भी जो लेफ्ट के कई सारे ऐसे मतलब बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यहाँ पे काम करते हैं, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, कट्टर टाइप के, जो बहुत कट्टा मतलब घृणा करते हैं बीजेपी से, मोदी से, मुस्लिम के समर्थन है वो लोग। कुछ अपना 10-15 लोग इकट्ठा करके कुछ रैली निकाल देते हैं जैसा कि जेएनयू में करते हैं, तो उससे अधिक यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इसीलिए टिकैत को भी भागना पड़ा क्योंकि उसका कोई प्रभाव ही नहीं था, बंगाल के लोगों को कोई मतलब ही नहीं इससे। एक तरह से बंगाल को दीदी ने पिछले 10 सालों में इस तरह से रखा है कि कटा हुआ लगता है, कि अलग देश लोग कहते हैं कि हम बंगाली हैं, भाषा थोड़ी अलग है, हम लोग को इतना प्रॉब्लम यहाँ पे आता है भाषा के कारण कि कोई यहाँ पे हिंदी बोलना नहीं चाहता, हिंदी आता भी है तो हिंदी नहीं बोलते हैं, बंगाली अस्मिता की बात होती है। आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी जो जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जो इनकी दाढ़ी बढ़ गई है, तो उसी अस्मिता को ये टारगेट कर रहे हैं कि उनको बाहरी ना समझ ले, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर से लोग समझेंगे कि हाँ ये तो बंगाली जैसा लगते हैं, तो उनको एक अटैचमेंट फील होगा, तो ये दाढ़ी इसीलिए बढ़ा रहे हैं। इसमें थोड़ा आश्चर्य लगता था लोगों को कि क्यों बढ़ा रहे, तो ये कारण है, बंगाली अपनी अस्मिता को लेके बहुत ही जागरूक है, सीरियस है, सीरियस सीरियस है, है। बहुत ही ज्यादा सीरियस है कि हमारी अस्मिता, हम बंगाली हैं, तो ये बात है सर। हम बंगला बोलेंगे, हाँ बंगला ही बोलेंगे, कई जगह बंगला हम ही लोग बोलेंगे। रैलियों में जाते हैं, हिंदी उनको आती भी रहती है, लेकिन बंगला ही बोलबो, बंगला ही बोलबो, बंगला ही बोलबो, हमको बंगला ही बोलना है, पीछे पड़ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे पुस्तकें खरीदने का प्रयास करते हैं, बंगला ही मिलती, हिंदी मिलती नहीं है। भोजन यहाँ पे करने हम लोग जाते हैं तो केवल 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 मांस वाला भोजन, यदि शाकाहारी कोई व्यक्ति है तो वहां पे जीना यहाँ पे दुष्कर है, गाय पंडित यहाँ जी, पे जीना दुष्कर है। यदि आपको शाकाहारी भोजन मिल भी जाएगा तो ऐसे होटल में मिलेगा कि जहाँ पे वहीं पे मुर्गा भी है, मछली भी है, बकरा भी है, उसी कलछुल से आपको बकरा भी निकालेगा, उसी कलछुल से आपका मटर पनीर और गोभी का सब्जी भी निकालेगा। तो हम लोग बहुत ही कठिनाई से यहाँ पे किस तरह करते हैं वो हम ही लोग, क्योंकि हम लोग का जो ग्रुप है सारा शाकाहारी है, प्योर शाकाहारी। हाँ एक बात यहाँ पे अच्छी है कि यदि आपको शाकाहारी भोजन मिलता है तो पूरी तरह से निरामिष मिलेगा, लहसुन प्याज के बिना मिलेगा, लहसुन प्याज भी नहीं डालेंगे। शाकाहारी तो पूरा शाकाहारी, मांसाहारी तो पूरा पूरा मांसाहारी, तो मांसाहारी। ये यहाँ पे कल्चर है। गाय